आपको एक बार अपना हॉस्टल भी दिखा देता हूँ। ये है मेरा हॉस्टल जहाँ रहा था, और ये एंट्री है इसकी। सो ये सिटिंग एरिया है सारा, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। और ये रिसेप्शन है, और ये मेरा बेड था, मेरा सामान पड़ा हुआ है यहाँ। सारे बेड्स यहाँ ऐसे लगे हुए हैं, देख सकते हैं कि लगभग खाली हैं सारे, कोई भी नहीं। और ये इसकी एक खास चीज़ ये है कि ये लाइट खुद ब खुद चल पड़ती है, सेंसर लगे हुए हैं इसमें, और खुद बंद हो जाती है जब आप यहाँ से चल के जाते हैं। तो ये है वॉशरूम्स। तो ये है यहाँ के वॉशरूम्स, काफ़ी अच्छे साफ सुथरे हैं, और सबके सामने यहाँ ड्रायर लगा हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हैं बाथरूम्स, यहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों में आता है, और आप आराम से यहाँ नहा सकते हैं। अब ये लाइट खुद ब खुद चल जाएगी। और ये वॉशिंग मशीन है, आप फ्री ऑफ यूसेज है, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं इसको, सिर्फ आपको अपना पाउडर चाहिए होगा। और टॉयलेट्स हैं, साफ सुथरी टॉयलेट्स हैं एकदम। एक्चुअली हॉस्टल भी है और होटल भी है, तो आप इसमें चाहें तो डॉर्म रूम्स में रह सकते हैं, या ऐसे रूम्स हैं जिनमें आप अपना सेपरेट रूम ले सकते हैं जिसमें बेड्स ऐसे लगे हुए हैं, और काफ़ी साफ सुथरा है सारा। तो बेसिकली इसमें जैसे ये ट्रिपल रूम है, आप बड़ा साफ सुथरे रूम्स हैं यहाँ के, रहिए और आपको अच्छा लगेगा। एक ये भी छोटा सा रूम है, ये दो दो चार दो छः छः डॉर्म वाला ये सेक्शन है। तो आप अलग अलग या तो छः डॉर्म्स में या तो दस डॉर्म में, जितने सारे डॉर्म बेड्स होंगे उतना ही उसका थोड़ा कम रेट होगा। लेकिन मैं 12 डॉर्म बेड वाले में रुका था, तो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं थे लोग, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम टूरिस्ट हैं इस जगह एक्चुअली, क्योंकि इंडियन तो मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ को दिखा, और जो भी हैं वो रशियन फॉरनर्स ही हैं जो अपने किसी दूसरे शहर से रशिया के दूसरी तरफ घूमने जा रहे हैं, जैसे मॉस्को से नोवोसिबिर्स्क की तरफ या अल्टाई माउंटेन से अल्टाई रिपब्लिक की तरफ, तो वो बीच में रास्ते में यहाँ ज़रूर स्टॉप लेके रुकते हैं। Нет, это их вот так вот примерно. Окей, 63. Да, 63. 63, да.
केजी, 1 केजी, केजी। ओके ओके, तो ये 63 रुपये किलो बनाना है यार। अब ठीक है, मुझे लगता है कि ओके आई विल टेक दिस। एक किलो पता नहीं जितना भी होगा ले लेते हैं। थैंक यू। तो ये सब सब्जियों के दाम लगे हुए हैं जो भी है। तो जैसे ये अंगूर हैं 230 रुपये किलो, और अनार हैं 134 रुपीस पर केजी। तो ठीक है, सामान सारा। ये मशरूम पैकेट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज, ये स्मॉल टोमेटो पिकल्स। दिस आई विल टेक दिस। ये लूँगा मैं साथ में, ये सैंडविच बनाने के काम आएगी मेरे को। दिस विल हेल्प मी। 24 फुल 24 ओके। तो ये 24 रूबल की है, तो मेरे को सैंडविच बनाने के काम आएगी। ये ले लेता हूँ मैं। लाकी ये इस तरह लाकी 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 वो देख तो रही है ये ओके दा नो लाता पास फ्रिज। ओके ओके, तो ये कह रहे हैं कि फ्रिज में रख देना है इसको। बियो वो तक कोई या इट्स ओके। तो यहाँ ब्रेड को कहते हैं खलिप, तो ये समझ नहीं पा रहे थे मुझे, ब्रेड को कहते हैं खलिप, तो अब ये मुझे खलिप की तरफ लेकर आए। आई कैन टेक दिस वन मैन, दिस या मोन दावान, इट्स इनफ। 32 दा 32 ओके। या आई टेक दिस वन, ये 50 का है और ये 70 का। सो 50 rubles. 39. ओके, और ये ऑफर में 39 का मिलता है। सुबह का मैंने सिर्फ ब्रेड सैंडविच खाया है, वही जो मैं चीज़ स्लाइसेस लेकर आया था, साथ में थोड़ा कोको मिल्क पिया क्योंकि अभी भूख लगी थी। तो यहाँ क्योंकि हमारे सामने ही एक सुपर स्टोर है, तो मैं वहाँ गया और कुछ अपने लिए पास्ता और टोमेटो सॉस और ये सब कुछ, बनानास, ये 5-6 चीज़ें दोबारा लेकर आया हूँ खाना बनाने के लिए। क्योंकि पास्ता मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे साथ नेट्सा गई थी, जो उसने कहा कि हम ले लेते हैं चीज़ें और वो हॉस्टल में आके वो खुद कुक कर लेगी। तो बस अभी किचन में कुकिंग चल रही है और अभी देखते हैं कि किचन में क्या हो क्या रहा है। Is it done? Open. Yeah? Open. Okay. Okay. तो ये बन रहा है, ये है टमाटो प्यूरी, टमाटो सॉस, जुकीनी, जुकीनी या, एंड दिस इज पास्ता गेटिंग बॉइल्ड। तो बस इन 3 चीज़ों को यूज़ करके अपना प्रोग्राम बन जाएगा। और मैंने अपने लिए स्पेशली ये एक रेड चिली पाउडर है वो लिया है। रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम मेरे में तो रेड चिली डाल देना। एक बात आपको बता दूँ, हॉस्टल्स में रहने का यही फ़ायदा है कि आपको किचन यूज़ करने में मिल जाती है। किचन में सब कुछ लगभग सारा सामान पड़ा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ ओवन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ गैस स्टोव भी है पूरा, और यहाँ बर्तन वर्तन आपके सब पड़े हुए हैं और प्लेट्स हैं, और बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है। और हाँ, इसमें फ्रिज भी है, और आप फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं, बस अपना सामान जो आप रखें उसके ऊपर अपना नाम ज़रूर लिख दें ताकि वो सामान आपका अपना ही रहे। और ये मेरा है जो अभी मैं सामान लेकर आया हूँ सारा फ्रीजर से। ये पीछे बहुत व्यू अच्छा है किचन में, ओपन किचन की तरह है ये सारी किचन बनी हुई है। Thank you.
तैयार है और जो बनाया है वो मेरे सामने देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये Fire.